पिछले 9 दिन से इस ऐतिहासिक संघर्ष में शामिल मेरे दोस्तों, आप सबको इस ऐतिहासिक संघर्ष के लिए मेरी बहुत बहुत बधाई, मेरा सलाम। आप जिन्हें न जाने क्या क्या कहा गया, पार्टियों के दलाल कहा गया, कोचिंग सेंटर से भड़काए हुए लोग कहा गया, ना समझ लोग बताया गया, न जाने रोज नए नए टाइटल आपको दिए गए, उन सब टाइटल को तोड़ते हुए, उस सब झूठ को काटते हुए, आपने जिस तरह से अपने संघर्ष को चलाए रखा है, ये देश के युवकों के लिए एक मिसाल है, एक प्रमाण है उसके। मैं जानता हूं पढ़ाई करते हुए, इम्तिहान देते हुए, सब कुछ छोड़ के यहां आना, दिन रात टिकना और तमाम तकलीफ सहते हुए यहां बैठना आसान काम नहीं है। और खास तौर पे इन युवा साथियों के लिए, महिलाओं के लिए, जब मैं इनके मुंह से सुन रहा था वी वॉन्ट जस्टिस, तो मुझे लगा डॉक्टर अंबेडकर की आत्मा बोल रही है। ये हमारे मेरे वर्दी में खड़े हुए साथियों, सहयोगियों, दोस्तों से मैं कहूंगा, आपको खुश होना चाहिए, आप इस देश के संविधान, आप इस देश के संविधान के सेवक हैं, और ये बच्चे जो काम कर रहे हैं इस देश के संविधान की रक्षा का काम कर रहे हैं। मेरा कहना है कि पिछले कई दिन ने आपको बहुत बहुत नई चीजें सिखा दी हैं, जो बात आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं सीख सके, जो कोचिंग सेंटर में भी नहीं सीख सके, वो सारे सब्जेक्ट आपको पिछले 9 दिन में सिखा दिए गए। इसलिए धन्यवाद, इसलिए बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहिए हमारे को SSC का। जोर से बोलिए, सब लोग मिल के कहेंगे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कितना सिखा दिया इन्होंने हमारे को। मैं चौथी बार आपके बीच आ रहा हूं। पहले दिन आया था जब यहां कोई आने को तैयार नहीं था, उस दिन रात को दोबारा आया जब ऐसा लग रहा था कि यहां पुलिस की कार्रवाई होगी, कई साथियों ने कहा। रात 2:30 बजे मुझे आने का मौका मिला। उसके 2-3 दिन बाद फिर आया, रात को जब लग रहा था इस आंदोलन को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है, कह दिया गया था बातें तो मान ली, पता नहीं क्यों बैठे हुए हैं ये लोग। और आज जबकि सरकार तय कर चुकी है कि अब इस आंदोलन को किसी तरह से खत्म कर देना है, आज भी आने का मौका मिला है। और हर बार जब आता हूं आप में एक नई ऊर्जा पाता हूं, नया जोश पाता हूं, नए चेहरे पाता हूं, नया उत्साह। पहले दिन जब आप महसूस कर रहे थे कि कुछ गड़बड़ हुई और SSC की तरफ से पूछा जा रहा था कि तुम प्रमाण दो कि क्या गड़बड़ हुई, ये दुनिया में मैं पहली बार सुन रहा था कि इंक्वायरी होने से पहले एविडेंस दिया जाए। एविडेंस तो इंक्वायरी के बाद आता है। यहां कहा जा रहा था कि एविडेंस पहले दो, आप लोगों ने वो एविडेंस भी निकाल दिया। तो पैसे आपने एविडेंस क्या निकाला,
पहले तो आपने वो स्क्रीनशॉट निकाल दिए, फिर एसएससी ने कहा कि स्क्रीनशॉट तो झूठे हैं, और उसके अगले दिन उन्होंने कहा कि स्क्रीनशॉट में जिस लड़के का नाम है उसको हम डिबार कर रहे हैं। अरे भाई, झूठी चीज पे डिबार क्यों कर रहे हो? तो इन्होंने, एसएससी वालों ने आपको फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन सिखा दिया। जोर से बोलिए थैंक यू। सिखा दिया, कभी मौका मिला फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन का? आपको आईटी एक्सपर्ट बना दिया इन्होंने। उसके बाद इन्होंने कहा, कोई नहीं बेटा, हम आपकी बात मान लेते हैं, और यहां एक चिट्ठी जारी कर दी। चिट्ठी में क्या लिखा था? चिट्ठी में लिखा था कि एसएससी विल रिकमेंड टू डीओपीटी विच विल रेफर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच विल रिक्वेस्ट सीबीआई। मैंने कहा भाई, खो खो तो हम भी खेलते थे स्कूल में, लेकिन एक डाई में तीन खो 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 देना अलाउड नहीं होता, गड़बड़ है। तो आपने कहा कि ये हेरा फेरी नहीं चलेगी, साफ साफ बताओ आप सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर कर रहे हो या नहीं, और जिसके विरुद्ध चार्ज है वो नहीं कह सकता कि मैं सीबीआई इंक्वायरी में विश्वास करता हूं। अरे, आपसे पूछा किसने था आप विश्वास करते हो? कभी कोई एसएचओ कह सकता है कि मेरे थाने के विरुद्ध सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो, इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है? अरे, आपका मतलब ही क्या है कहने का? तो आपने कहा कि हमें थानेदार का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हमें उसके मालिक का आदेश चाहिए। सही बात, आपने मांगा। इस सब में क्या हुआ? आपको कानून की भाषा पढ़नी आ गई कि ये खो खो वाला काम नहीं चलेगा, बाद में आप सब अफसर बनोगे। बाद में जब आप सब अफसर बनोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि सरकारी ऑर्डर कैसे नहीं लिखने चाहिए। तो इन्होंने आपको सरकारी ऑर्डर लिखने सिखा दिए। जोर से कहिए थैंक यू। कितना सिखाया। फिर उसके बाद इन्होंने कल ये कह दिया कि गृह मंत्री ने मांग मान ली है, सीबीआई की जांच ऑर्डर हो गई है। अब बताइए बच्चे क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पे? तो आपने कहा कि सीबीआई की ऑर्डर आपने कह दिया, गृह मंत्री की बात मान ली, गृह मंत्री झूठ बोल रहे हैं ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन आपने कहा कि जो सीबीआई की ऑर्डर का आपने पत्र निकाला है उसकी कॉपी तो दिखा दीजिए। सही बात है ना? ये तो हर अफसर को करना चाहिए। कल को हमारे इन दोस्तों को, एसएससी वालों को कोई आदेश आए तो वो क्या कहेंगे? नहीं सर, फोन पे नहीं, जरा रिटर्न ऑर्डर भेज दीजिए, कहना चाहिए ना? तो वही आपने कहा कि रिटर्न ऑर्डर की कॉपी दिखा दीजिए ताकि आपको समझ आ जाए कि ऑर्डर का स्कोप क्या है, कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन किस बात पे हो रही है। यहां अभी टीवी वाले मेरे से पूछ रहे थे, मैंने उन्हें कहा भाई पहले दिन से यहां विद्यार्थी कह रहे हैं कि ये केवल सीजीएल का मामला नहीं है, एमटीएस का मामला भी है। मेरे को तो एमटीएस नाम भी नहीं पता था। मैं यहां आया तब किसी ने मेरे कान में बोला सर एक एमटीएस वाला मामला भी है, तो मैंने कहा ये तो पहले दिन से था और भी है। दिल्ली पुलिस, एक नहीं चार चार मामले हैं, पांच पांच मामले हैं, सब हैं। और मुझे याद है पहले दिन ही आपने जो एविडेंस पेश किया था उसमें एग्जाम रिजल्ट्स भी थे, वो तो सीजीएल के नहीं थे, वो तो दूसरे एग्जाम के थे। तो पहले दिन से विद्यार्थी क्या मांग रहे हैं? वो कह रहे हैं कि एसएससी में जितने भी घोटाले हो रहे हैं सबकी जांच की जाए। या
यानी कि इसकी जांच की जाए कि एसएससी में घोटाला हो रहा है या कि एसएससी ही घोटाला है। तो दोस्तों, इसके अलावा एक दूसरी बात आपने कही थी, इसलिए चिट्ठी देखना जरूरी है, और वो ये कि बिल्कुल नेचुरल जस्टिस का पहला नियम है, जब मेरे विरुद्ध कोई इंक्वायरी चल रही है उस वक्त मैं वो पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकता जिसके कारण मेरे पे इंक्वायरी हो रही है। सही बात, नेचुरल जस्टिस का पहला नियम है, अगर इंक्वायरी हो रही है तो मुझे उस इंक्वायरी के दौरान मैं वो ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकता, वो प्रोसीजर नहीं चल सकता जिस प्रोसीजर की इन्वेस्टिगेशन हो रही है। और आज जो हो रहा है, कल जो एग्जाम हुआ, 9 तारीख को जो एग्जाम हो रहा है, ये सब उसी नेचुरल जस्टिस की वॉयलेशन है। क्योंकि और यही आप चाहते थे कि जब तक इंक्वायरी हो तब तक एसएससी के सारे एग्जाम बंद किए जाएं, ठीक बात है ना? कहीं दूसरे लोग ये ना समझें कि कोई नेताजी की मांग है, तो मैं चाहता हूं आप लोग हाथ उठा के बता दें कि ये आपकी मांग है कि नहीं है। भाई ये जरा कैमरा पे दिखा देना इनको। जो मैं समझता हूं कि यहां प्रदर्शन के लिए मजबूर छात्रों की दो मांग है इस वक्त, पहला कि सीबीआई इंक्वायरी, मानते हुए कि सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर हुई है, ये मानना चाहिए हमारे, लेकिन आप जानना चाहते हो कि सीबीआई इंक्वायरी की जांच के दायरे में क्या एसएससी के सारे घोटाले हैं या कि सिर्फ एक परीक्षा पत्र है, ठीक बात है ना? और दूसरा ये कि जब तक ये इंक्वायरी ना हो जाए, जब तक इसके परिणाम सामने ना आ जाए, तब तक एसएससी किसी भी किस्म की परीक्षा करने से परहेज करे, उस पे स्टे लगाया जाए, ठीक बात है ना? वैसे भी एसएससी को इम्तिहान करने की जल्दी तो कभी रही नहीं है, नहीं रही है। 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 1 साल बाद इम्तिहान करवाते हैं। सॉरी गड़बड़ हो गई, 2 साल बाद में करवाते हैं, 3 साल कर्मचारी बोर्ड। तो जो 2-2 साल 3-3 साल तक नहीं करवाते, उसको आज अचानक इतनी क्या जल्दी पड़ गई है कि अब 2 हफ्ते में ही करवाना है? कोई बात नहीं भाई, इम्तिहान का परिणाम का परीक्षा कर लो, इंतजार कर लो, पता लगने दो। और सत्ता वालों को तो खुश होना चाहिए, अगर पता लगता है कि एसएससी बिल्कुल दूध से धुली है, अगर जांच में ये आता है कि इन्होंने कोई गड़बड़ी नहीं की है, अगर जांच में ये आता है कि सब आपके दिमाग की खुराफात थी, गलतफहमी थी, आपको भड़काया गया, आपका भी कल्याण होगा, सरकार का भी कल्याण होगा, दोनों का फायदा हो जाएगा। और अगर पता लगता है कि ये दाल में काला नहीं है, दाल ही काली है ये, तो उससे भी सरकार का कल्याण होगा, उससे भी सिस्टम का कल्याण होगा। मैं पहले दिन से कह रहा हूं दोस्तों, ये एक सरकार एक स्तर का मामला नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, पता नहीं क्यों सरकार वालों की बात सुन नहीं रही है, ये सिर्फ इस वक्त की केंद्र सरकार का मामला नहीं है, इससे पहले की सरकारों में भी यही मामले होते रहे हैं। और ये सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं है, तमाम राज्य सरकारों में इसी तरह के घोटाले होते रहे हैं, आज भी हो रहे हैं। तो यहां के विद्यार्थी, यहां के जो विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन करने पे मजबूर विद्यार्थी, ये कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं, दाल ही काला है, किसी एक सरकार का खेल नहीं कर रहे हैं, किसी एक की टांग नहीं खींच रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों किसी एक को महसूस हो रहा है कि सिर्फ उसी की टांग खींच रही है, पता नहीं क्यों। ये तो हरियाणा से ही आ सकता है।
दोस्तों इन्होंने आपको फॉरेंसिक साइंस सिखा दी, इन्होंने आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिखा दिया, इन्होंने आपको लॉ भी सिखा दिया, अभी आपको पॉलिटिकल साइंस सिखा के ही मानेंगे। आप यहां पॉलिटिक्स करने नहीं आए, मैं जानता हूं जब जब इस मंच का राजनीतिक दुरुपयोग करने की कोशिश हुई है आप लोगों ने कहा नमस्ते भाई साहब आप जरा बाहर चले जाइए, हमें इसकी जरूरत है। और मैं चौथी बार बोल रहा हूं, आपने देखा होगा अब तक मैंने कोई किसी किस्म की राजनीतिक बात नहीं की है, क्योंकि मैंने बार बार कहा है दुनिया की सबसे बड़ी और सुंदर राजनीति है सच, बस सच बोलना वो है, इससे बड़ी बात कुछ नहीं है। और मैंने बार बार आपको कहा, मैंने यहां आके आपको सिर्फ ये कहा है, आपने कई बार कई साथियों ने मुझे धन्यवाद दिया, आपने हमारी आवाज उठाई, मैंने बार बार कहा मेरे उठाने से नहीं उठी है, आपकी बात में सच है इसलिए उठी आप। आपने सच की बात कही और दूसरी बात आके मैंने कही हमेशा कि शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध करेंगे, किसी किस्म की हिंसा कभी नहीं करेंगे। मैंने क्या नारा दिया था आपको याद है, हमला चाहे जैसा भी हो हाथ हमारा नहीं उठेगा। इसको राजनीति बोलते हैं आप? ये कोई राजनीति? ये कहना कि सच बोलिए, ये कहना कि शांतिपूर्वक अपनी बात को रजिस्टर कीजिए, अगर ये गलत है तो पता नहीं फिर सही क्या बात है। लेकिन आज आपको बताया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि आप राजनीति से प्रेरित हो, आपको बताया जा रहा है कि आप बरगलाए हुए हो, तरफ तरफ से आपको घेरने की कोशिश हो रही है। मुझे एक साथी ने बताया पीछे वाले दुकानदारों को कहा जा रहा है कि आप चिट्ठियां लिख लिख के दो कि इन लोगों की वजह से हमें बड़ी दिक्कत आ रही है, टॉयलेट इन्होंने बंद करवा दिया। आप देखिए टॉयलेट इन्होंने बंद करवा दिया, पानी दिलवाने में इन्हें दिक्कत थी, जब दरी लेके आया उस ड्राइवर बेचारे को जो गाड़ी में दरी रख के लाया टेंट हाउस का आदमी था उसको उठा के थाने में बंद कर दिया, और ये जो बेचारा नाई जो एक शुभ कार्य करने आया था श्राद्ध का श्राद्ध और वो तो एक पुण्य काम करने आया था, एक साधारण व्यक्ति था अपना रोजगार करने आया था उसको भी नहीं बख्शा, और हमारे एक साथी का तो आधा काम रह गया। आप ये देखिए ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सर भले ही आधा मुंडा हो संकल्प आधा नहीं है, संकल्प पूरा है। मेरी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक सर नहीं चढ़ाएंगे, ऐसे रहेंगे। दोस्तों दोस्तों अब तक मैंने मजाक से कहा था, अब मैं गंभीरता से कह रहा हूं, पिछले 9 दिन की परीक्षा ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है। हमारी एक बहन एक साथी कह रही थी सर अब कितनी परीक्षा देनी पड़ेगी हमारे को, कितनी बार परीक्षा देनी पड़ेगी, एक एग्जामिनेशन सेंटर की परीक्षा होती है एक जीवन की परीक्षा होती है, और इस वक्त आप एक जीवन की परीक्षा दे रहे हैं जो किसी भी परीक्षा, और अब तक इस परीक्षा में आप जीते, सच जीता है, और इसकी आवाज पूरे देश में गूंज रही है। मैंने पिछली बार भी कहा था आपकी आवाज में जो ताकत है वो सिर्फ वो ताकत नहीं है जो यहां पे हजारों लोग खड़े हैं, सिर्फ वो ताकत नहीं है, आपकी आवाज हवा में गूंज रही है,
साइबर स्पेस में गूंज रही है, सोशल मीडिया पे गूंज